बरेली में दंगाई कांवड़ियों पर की कार्रवाई तो योगी ने कर दिया एसएसपी प्रभाकर चौधरी का फौरन तबादला। कांवड़ियों द्वारा की गई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 10 साल की नौकरी में एसएसपी चौधरी का 21वां तबादला। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सावन मास और मुहर्रम महीना दोनों एक साथ चल रहे हैं। शुरू सावन मास पहले हुआ, बाद में मुहर्रम आया और मुहर्रम के ताजिए जुलूस और एक तरफ सावन में कांवड़ यात्रा। कुछ दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, उत्तर प्रदेश के बरेली में जोगी नवादा में मुस्लिम मोहल्ले पर और शाहनूरी मस्जिद से आसपास के इलाके पर आरोप लगा था कि कांवड़ियों पर पथराव किया गया। इमाम समेत, मौलाना समेत 150 लोगों पर अपराध दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। उसी जोगी नवादा में गत 30 जुलाई रविवार को फिर एक बार कांवड़ यात्रा गुजर रही थी और ये कांवड़िए डीजे बजाते हुए, शोरगुल करते हुए मुस्लिम आबादी से अपना रूट बदलकर जाना चाह रहे थे, तो बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने इन्हें रोक दिया। रोकने के बाद जो है काफी यहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि मस्जिद परिसर से गुजरने के दौरान डीजे पर आपत्तिजनक गाने और आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे, जिसका मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था। मुस्लिम पक्ष को पुलिस ने शांत कराया, मुस्लिम पक्ष मान भी गया कि डीजे न बजाते हुए कांवड़ यात्रा यहां से गुजर जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर कांवड़िए मान नहीं रहे थे और अपनी करने पर तुले हुए थे। 4 घंटे तक यहां पर हंगामा चला। जब कांवड़िए नहीं माने तो पुलिस ने इस मामले में कठोर कदम उठाते हुए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने लाठी चार्ज करवाया। हल्का लाठी चार्ज हुआ है, सारे वीडियोस इसके सामने आए किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम है, वीडियोस के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात कि एसएसपी प्रभाकर चौधरी ये एक ऐसा अफसर जो सिर्फ कानून की सुनता है, किसी की नहीं मानता है। तो एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मीडिया को जैसे ही बयान दिया कि कांवड़ियों के बीच कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्व भी थे, नशे में धुत थे और उनके पास हथियार भी थे, उनके इस बयान के बाद फौरन मुख्यमंत्री योगी ने एसएसपी चौधरी का तबादला लखनऊ पीएसी में कर दिया। और इतना ही नहीं कि उनके बयान को बेहद गंभीरता से लिया गया, यह उनका तबादला साबित करता है। अब बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़िए थे किस तरह का यहां पर अराजकता वाला माहौल पैदा कर रहे थे और फायरिंग भी इनके द्वारा की गई है, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यानी एसएसपी प्रभाकर चौधरी जो दावा कर रहे थे, जो बात कह रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि मुस्लिम इलाके से रूट बदलकर कांवड़ यात्रा ले जाकर वहां सिर्फ दंगा करना था और मुसलमानों को उकसाकर फिर उनके ऊपर आरोप मढ़ना था, ये मंशा यहां पर स्पष्ट हो जाती है। मगर एसएसपी प्रभाकर चौधरी की ये अनुशासन भरी और कानून का पालन करने वाली कार्रवाई राम राज्य को संभालने वाले योगी शासन को रास नहीं आई और एसएसपी प्रभाकर चौधरी का कुछ ही घंटों में तबादला कर दिया गया। वहीं बारादरी पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर है उनका सस्पेंशन, जोगी नवादा क्षेत्र के चौकी के इंचार्ज अमित कुमार है उनका भी सस्पेंशन, इन दो पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरह से कार्रवाई करके योगी आदित्यनाथ कौन से राम राज्य की संज्ञा यहां दे रहे और किस तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई का शिकार बना करके किस तरह से धार्मिक कट्टरता को और बढ़ावा दे रहे, यह भी इससे साफ होता है। यहां आपको बता दे कि प्रभाकर चौधरी एसएसपी, इन्हें पुलिस ने ही मेरठ में रखा, मेरठ में उन्होंने पूरी कानून व्यवस्था की गाड़ी पटरी पर ला दी, मगर भाजपा नेताओं की मांग पर उनका वहां से तबादला किया गया। फिर इन्हें हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान जो दंगे भड़के बुलंदशहर में, तो बुलंदशहर में भी भेजा गया, बुलंदशहर में भी उन्होंने यहां पर स्थिति सामान्य बनाते हुए उपद्रवी बजरंगियों को जैसे जेल भेजना शुरू किया तो फौरन उनका यहां से भी तबादला किया गया। आपको बता दें 2010 के बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं प्रभाकर चौधरी, 10 वर्ष की इनकी अब तक नौकरी यानी सर्विस हो चुकी है और इस 10 वर्ष की नौकरी में ये 21वां उनका तबादला है, 21 बार तबादला हो चुका है उनका। दूसरे संजीव भट्ट एसएसपी प्रभाकर चौधरी बन सकते हैं और सिर्फ कानून की परिभाषा के तहत काम करने वाले, संविधान के अधीन रहकर काम करने वाले अधिकारी हैं एसएसपी प्रभाकर चौधरी। अब देखते हैं कि किस तरह से बरेली के
हुल्लड़बाज कावड़ियों पर पुलिस आगे कार्रवाई करती है या लीपापोती करते हुए फिर यहां पर जो कुछ भी उपद्रव हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसका दोष मुस्लिमों के मत्थे मरती है। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए, ऐसी भी आशंका कि दो चार लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग चार घंटे लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पर शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों की नहीं, अभी एक दो लोग शायद डिटेन किए गए हैं, हम पहचान रहे हैं, पहचान में है क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो चार नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है, फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से। जा रहा है, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और कांवरियों को हटा दिया गया है यहाँ से। जैसे कि हम अपने कैमरे के माध्यम से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रशासन द्वारा यहाँ से डीजे को ले जाया जा रहा है। हम लगातार ये तस्वीरें अपने अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं।